हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अश्वी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हेन इविंग लव्स। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम पेड्रो और जिमी होता है, और ये दोनों भाई अपने घर में होते हैं। तभी उन्हें बाहर से किसी फायरिंग की आवाज आती है और ये लोग इस फायरिंग की आवाज को चेक करने के लिए बाहर जाते हैं। तब उन्हें कुछ ही दूरी पर एक कटी हुई लाश मिलती है, और ये लाश किसकी होती है इसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। तभी पेड्रो और जिमी उस डेड बॉडी के पास पड़ी हुई इसके सामान को चेक करते हैं, और इन्हीं सामानों में से उसे एक टोकन मिलता है जिनमें एक लेडी का नाम लिखा हुआ था, और ये लेडी जो कि इसी टाउन में रहती थी। अब पेड्रो और जिमी दो उस पेपर को उठाते हैं और उस लेडी के पास पहुँच जाते हैं जिसके पास वो आदमी जाने वाला था, जिसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो कि एक ओल्ड लेडी होती है और उस लेडी के दो बच्चे। और तभी पेड्रो और जिमी उस लेडी को बताते हैं कि आपके पास कोई आने वाला था लेकिन अब वो नहीं आएगा, और इस लेडी का नाम होता है। तभी मारिया पेड्रो और जिमी को ये बताती है कि एक लीडर जो मेरे बड़ी बेटी यूरियल को मारने आया था, और ये बात जिमी और पेड्रो को कुछ अजीब लगती है, इसीलिए ये लोग इस ओल्ड लेडी यानी कि मारिया के घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे ये लोग अब यूरियल को देखते हैं, और यूरियल जो कि बेड पे पड़ा होता है और उसकी बॉडी अभी सड़ कर के फूल गई थी। इसे प्रोटीन कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा जीव जिसे डीमन ने प्रोसेस कर लिया हो ताकि वो डीमन इससे जन्म ले सके। और ये चीज देख करके पेड्रो और जिमी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, इसलिए ये लोग फॉरन से उधर से बाहर आते हैं और फॉरन से ये लोग पुलिस के पास जाते हैं, और ये दोनों भाई मिलकर के पुलिस को अब सारी बातें बताते हैं। लेकिन यहाँ की पुलिस जो पेड्रो और जिमी की बातों का भरोसा नहीं करती है और उनसे कहती है कि डीमन वगैरह कुछ भी नहीं होता है, जिसके बाद पेड्रो और जिमी पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और अब इस जगह के लैंड ओनर यानी कि ड्रूस के पास जाते हैं जो इस जगह का मालिक होता है। और पेड्रो और जिमी अब ड्रूस से कहते हैं कि तुम्हें इस जगह को खाली करना चाहिए, यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक डीमन पैदा हो रहा है। लेकिन ड्रूस जो कि पेड्रो और जिमी की बातों का भरोसा नहीं करता है और वो अब वापस से अपने घर जाता है। तभी हम ड्रूस की वाइफ को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है, और ड्रूस जो कि डिनर कर रहा होता है, लेकिन ड्रूस के माइंड में पेड्रो और जिमी की बातें चल रही होती है, इसलिए वो अपने घर उठाता है और फौरन से यूरियल के घर जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन जैसे ही ड्रूस अब अपने घर उठा करके यूरियल को मारने जा रहा होता है, तभी यहाँ पे मारिया आती है और वो ड्रूस को रोक लेती है। मारिया अब ड्रूस से कहती है कि वो गन से नहीं मरेगा और इस वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसीलिए ड्रूस उसे नहीं मारता है। तभी ड्रूस अब फौरन से पेड्रो और जिमी के पास आता है और उनसे कहता है कि यूरियल जो कि गन से नहीं मरेगा, इसीलिए हमें यूरियल को उठा करके एक दो जगह पे लेके जाना होगा जहाँ पे हम इसे फेंक देंगे। और अभी दोनों मिलकर के कान बनाते हैं और यूरियल को एक चादर में लपेट करके बाहर की तरफ लाने लगते हैं, लेकिन वो चादर वहीं पे पड़ जाती है। पर ये लोग यूरियल को एक ब्लैंकेट में लपेट करके ट्रक के अंदर डाल देते हैं, और अभी तीनों लोग ट्रक में बैठ करके यूरियल को काफी दूर लेकर के जा रहे होते हैं। और अब ये लोग शहर से काफी दूर आ चुके थे और ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग यूरियल को यहीं पे फेंक देंगे। लेकिन जैसे ये लोग यूरियल को फेंकने जा रहे होते हैं तभी उनके सामने एक छोटा बच्चा आता है, और उस बच्चे को बचाने के चक्कर में इनका ट्रक जो कि डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से इन लोगों का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस एक्सीडेंट में किसी को भी कोई चोट नहीं आई होती है। और फाइनली अब पेड्रो जिमी और लुइस को एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पे ये लोग यूरियल को फेंक सकते थे, और उसके बाद ही ये लोग ट्रक में जाते हैं यूरियल को बाहर निकालने के लिए। लेकिन तभी इन्हें पता लगता है कि यूरियल जो कि ट्रक में तो है ही नहीं, इसी वजह से ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और शाम को अब वापस ये लोग अपने घर आ जाते हैं। तभी हम ड्रूस को देखते हैं जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ डिनर कर रहा होता है, लेकिन अभी भी ड्रूस यूरियल के बारे में ही सोच रहा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट से दिखाते हैं और हम ड्रूस के घर को देख यहाँ भी काफी सारी बकरियां होती हैं। तभी हम यहाँ पे ड्रूस की वाइफ को देखते हैं। ड्रूस की वाइफ अब इन बकरियों के पास आती है और वो नोटिस करती है कि इनमें से एक बकरी जो कि पजेस हो रखी है, और ये चीज देख करके वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो अपने पास ड्रूस को बुलाती है, और ड्रूस जब ये चीज देखता है तब वो हवा में फायरिंग करता है, जिससे कि यहाँ पे मौजूद सभी बकरियां भाग जाती हैं सिवाय यहाँ पे एक बकरी जो कि खड़ी होती है। तभी ड्रूस अपनी गन की मदद से इस बकरी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी ड्रूस की वाइफ जरूर इसे कहती है कि नहीं, इसे गन से नहीं मारो वरना हमारी पूरी फैमिली मारी जाएगी। लेकिन तभी हम उस बकरी को देखते हैं जो अब ड्रूस की गन के सामने आ जाती है, और ड्रूस ये चीज देख करके उस बकरी के ऊपर फायर कर देता है, जिससे कि वो बकरी मर जाती है। लेकिन तभी हम ड्रूस की वाइफ को देखते हैं। ड्रूस की वाइफ के हाथों में अब कुल्हाड़ी आती है, और वो उसी कुल्हाड़ी की मदद से ड्रूस के सर पे वार करती है, जिससे कि ड्रूस भी मर जाता है। और फिर ड्रूस की वाइफ जो अब उसी कुल्हाड़ी से अपने ऊपर भी काफी सारे अटैक करती है, और वो अटैक तब तक करती है जब तक कि वो खुद मर नहीं जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम पेड्रो और जिमी को देखते हैं। ये दोनों अपने घर में होते हैं, तभी उनके पास यूरियल का छोटा भाई आता है, और ये चीज देखकर पेड्रो और जिमी अब यूरियल के छोटे भाई के पास जाते हैं, और यूरियल का छोटा भाई पेड्रो और जिमी से कहता है कि उनकी माँ मारिया जो कि मिसिंग हो गई है, इसीलिए उसे घर में अकेले डर लग रहा है और वो घर वापस जाना नहीं चाहता है।
होते हुए पेड्रो और जिमी यूरियल के छोटे भाई को अस्पताल में रुकने के लिए कह देते हैं और उसके पास एक गन होती है। वो गन पेड्रो और जिमी अपने पास रख लेते हैं और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है और पेड्रो और जिमी यहाँ से निकल जाते हैं। और तभी जिमी जो अपनी माँ को लेने के लिए उनके घर जाता है और पेड्रो अपनी एक्स वाइफ सबरीना को लेने के लिए निकल जाता है। अभी हमें बताया जाता है कि पेड्रो की एक्स वाइफ सबरीना जो उसे 4 साल पहले छोड़ गई है और अब सबरीना एक लियो नाम के आदमी के साथ रह रही है और उसकी एक बेटी भी है। पेड्रो सबरीना को बताता है कि शहर में एक रॉटन फैल गया है, जिसके बाद पेड्रो अपने पुराने कपड़े निकाल करके वहीं पे जला भी देता है। जिसके बाद हम सबरीना की बेटी को देखते हैं और सबरीना की बेटी के पास उसका एक पेट डॉग होता है जो सबरीना की बेटी की गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है और ये चीज सबरीना का बेटा देख लेता है, तो इसलिए वो फौरन से दौड़ते हुए अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि डॉग ने सिस्टर की गर्दन तोड़ दी और उसे मार दिया है। और ये बात सुनकर के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और फौरन से यहाँ आते हैं। तब पता लगता है कि इस डॉग ने पेड्रो के उतरे हुए कपड़ों को सूंघ लिया था, जिस वजह से वो पजेस हुआ है और इसी वजह से उसने उसकी बेटी को जान से मार दिया है। जिसके बाद वो डॉग यहाँ से भाग गया है और ये चीज देखकर के नियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बेटी अब मर चुकी थी। इसीलिए वो फौरन से अपनी गन उठाता है और उस डॉग को गन से मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी पेड्रो अब लियो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लियो नहीं रुकता है और वो अब उस ट्रक में बैठ करके डॉग का पीछा करने के लिए निकल जाता है। तभी पेड्रो उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन तभी रास्ते में उसे वो पुलिस वाला मिलता है और पेड्रो अब उस पुलिस वाले से कहता है कि उस डॉग को गोली नहीं मारना। और अगेन से पेड्रो लियो के पीछे जाता है लेकिन तभी पेड्रो नोटिस करता है कि लियो ने अब गन की मदद से ही उस डॉग को जान से मार दिया है। और पेड्रो अब अगेन से सबरीना के घर आता है जहाँ पे आकर के वो देखता है कि सबरीना की बेटी जो अगेन से हो गई और वो सही सलामत है। ये चीज देखकर के पेड्रो समझ जाता है कि सबरीना की बेटी अब पजेस हो चुकी है और वो दीवार अब जिंदा हो गया है, इसीलिए वो फौरन से सबरीना की कार के पास जाता है लेकिन उसे कार की चाबी नहीं मिलती है, जिस वजह से वो अपने बेटे जहर के पास आता है और जहर जो कि कुछ भी नहीं बोल पाता था और ना कुछ सुन पाता था, इसीलिए पेड्रो उसे इशारों में बात करता है और जहर से पूछता है कि सबरीना की कार की चाबी कहाँ है, लेकिन जहर उसे कुछ भी नहीं बताता है। तभी पेड्रो जहर से कहता है कि अगर तुम मुझे बताओगे कि सबरीना की कार की चाबी कहाँ है तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम दिलाऊंगा। और ये बात सुनकर के जहर अब फौरन से पेड्रो को सबरीना की कार की चाबी दे देता है। इसके बाद पेड्रो उस कार में बैठता है और अपने बेटे जहर को बैठा के यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम सबरीना को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ होती है और उसकी बेटी सबरीना के कार में उसे कहती है कि थोड़ी देर में पापा यहाँ पे कार के साथ आएंगे। और तभी हम लियो को देखते हैं जो कार से आता है और वो सबरीना को पीछे से हिट कर देता है और ये चीज पेड्रो देख लेता है, इसीलिए पेड्रो फौरन से यहाँ से निकल जाता है और वो फौरन से जिमी के पास आता है। जिमी अपनी माँ को लेकर के उसी कार में बैठ जाता है और पेड्रो जिमी और उसकी माँ की तीनों लोग यहाँ से निकल जाते हैं और आगे जा करके ये लोग एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं। इस समय पेड्रो के पास उसकी एक्स वाइफ सबरीना का कॉल आता है और पेड्रो अब अपनी वाइफ का कॉल रिसीव करता है जिसे परी सबरीना पेड्रो से कह रही है कि तुम मेरे बच्चों को ले गए हो और मैं अपने बच्चों को वापस लेने के लिए जरूर आऊंगी। और ये बात सुनकर के पेड्रो को बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं पे अपना फोन तोड़ देता है और वो एक जगह बैठ करके रोने लगता है। तभी जिमी पेड्रो के पास आता है और उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, जिसमें पेड्रो जिमी से कहता है कि सबरीना मर चुकी है और डीमन ने उसे पजेस करके दोबारा से जन्म ले दिया है और उसी ने मुझे कॉल किया था और उसने कहा है कि वो अपने बच्चों को लेने के लिए जरूर आएगी। तभी जिमी पेड्रो से कहता है कि तुम रो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी के साथ जिमी अपने एक फैन के बारे में पेड्रो को बताता है और उसे कहता है कि मेरी फैन जो पहले एक क्लीनर हुआ करती थी और इसीलिए हमें अब अपने फैन के घर चलना चाहिए जहाँ पे हम आज की रात बिता सकते हैं। और पेड्रो जो जिमी की फैन के घर नहीं जाना चाहता था लेकिन मजबूरन उसे उसकी फ्रेंड के घर जाना पड़ता है। और तभी हम जिमी की फ्रेंड मैरिडा को देखते हैं और मैरिडा जब पेड्रो और उसकी बेटी जहर को देखती है तब वो जिमी से अकेले में कहती है कि मुझे जहर भी पसंद लग रहा है। अगेन जी हमें रात का सीन दिखाते हैं, यहाँ पे हम पेड्रो को देखते हैं जो अपने बेटे जहर के साथ कार में होता है और इस समय पेड्रो जहर की अभी अभी बनी हुई पेंटिंग को देखता है, जिसे देख करके वो काफी शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम सबरीना को देखते हैं और सबरीना अब अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से जा रही होती है और ये चीज पेड्रो की मदद देख लेती है, इसीलिए वो फौरन से पेड्रो को जनाती है। और पेड्रो भी अभी शोर को सुन करके उठ जाता है और वो फौरन से सबरीना के पास जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन जब तक के पेड्रो सबरीना के पास पहुंचता है तब तक के सबरीना अपनी बेटी को लेकर के छत से कूद जाती है। और जब वो फौरन से नीचे आता है तब उसे यहाँ पे सबरीना और उसकी बेटी नहीं दिखती है, इसीलिए फौरन से वो दौड़ते हुए अपनी कार के पास जाता है और वो देखता है कि जहर बिल्कुल ठीक है क्योंकि सबरीना जहर को नहीं लेकर के गई थी क्योंकि जहर पहले से ही पजेस था, इसीलिए सबरीना उसे लेकर के नहीं जा पाती है। वहीं हम मित्रा को देखते हैं जो पेड्रो के पास आती है और वो पेड्रो से कहती है
कि हमें रॉटन को मारना होगा। इसीलिए वीता फॉरन से अभी क्लीनर डिवाइस को निकालती है और उसे क्लीन करके पैडो के साथ निकल जाती है रॉटन को ढूंढने के लिए। वही दूसरी तरफ अब हम जिमी को देखते हैं। जिमी अब सबरीना की बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वही हम पैड्रो की मदर को देखते हैं जो जैर के साथ अब उस घर में अकेली होती है, जिसके बाद हम जिमी को देखते हैं। और जिमी अब सबरीना के पास पहुँच जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि सबरीना ने अपनी बेटी को जान से मार दिया है और उसके सर को वो खा रही है। और तभी वो एक कार पे लगे हुए खून के निशान भी देखता है और इसी वो समझ जाता है कि ये खून का निशान जो कि सबरीना की बेटी का ही है। और इसी से करके जिम को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए फौरन से वो अपनी कार स्टार्ट करता है और वो सबरीना को पीछे से ठोक देता है। इस वजह से सबरीना एक पेड़ में जाकर के टकरा जाती है और उसके ही पीछे में भी अब घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम जैद को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ घर में अकेला होता है। और तभी हम जैर को देखते हैं जो अब ठीक से बात कर पा रहा था। इसके बाद जैर अपनी दादी से कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अब हम पेड्रो को देखते हैं कि अब मीर्ता के साथ उस जगह में पहुंच जाता है जहाँ से यूरियल गायब हुआ था। मीर्ता अब यहाँ पे आसपास की जगह में ढूंढ रही होती है, तभी इसके पास में स्कूल मिलता है। और स्कूल देकर के मीर्ता अब पेड्रो से कहती है कि डीमन को छोटे बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए मीर्ता और पेड्रो दोनों मिलकर के पास में बने हुए स्कूल के अंदर जाते हैं जहाँ यहाँ पे काफी सारे बच्चे होते हैं और ये बच्चे देखने में काफी अजीब लग रहे थे। तभी मीर्ता पेड्रो से कहती है कि ये बच्चे हमारी कोई मदद नहीं करने वाले हैं, जिसके बाद पेड्रो और मीर्ता यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक छोटा बच्चा आता है और ये छोटा बच्चा वही था जो कि पेड्रो और जिमी की कार से टकरा गया था। और ये बच्चा पेड्रो और मीर्ता को बताता है कि तुम्हें यूरियल जो कि टीचर की कॉपी मिलेगा, जिसके बाद वो बच्चा यहाँ से चला जाता है। और अगेन से पेड्रो और मीर्ता के सामने एक और बच्ची आती है और वो बच्ची पेड्रो और मीर्ता से कहती है नहीं ये लड़का झूठ बोल रहा है, जबकि यूरियल तो मेरे घर पे है। और ये बात सुनकर के पेड्रो और मीर्ता समझ जाते हैं कि ये बच्चे सब झूठ बोल रहे हैं, जबकि रॉटन यहीं पर है, वो कहीं भी नहीं गया है। इसीलिए ये लोग रॉटन को ढूंढने के लिए अगेन इसी स्कूल में आते हैं। तभी उन्हें यहाँ पे एक स्टेज मिलता है और इस स्टेज के नीचे टीचर और कुछ पेरेंट्स की डेड बॉडी पड़ी होती है। और ये चीज देख करके पेड्रो और मीर्ता समझ जाते हैं कि यूरियल यहीं पर है। मीर्ता अब क्लीन डिवाइस को फौरन से निकालती है और उसे रेडी करती है यूरियल को मारने के लिए। इसके बाद पेड्रो अब स्टेज को तोड़ता है और यूरियल की बॉडी को ढूंढने लगता है। और कुछ ही देर बाद पेड्रो को अपनी डेड बॉडीज में से यूरियल की बॉडी भी मिल जाती है जो कि अभी तक जिंदा होता है। तभी यहाँ पे अगेन से एक बच्ची आती है और वो पेड्रो से कहती है कि सामने वाले कमरे में कुल्हाड़ी रखी हुई है, तो उस कुल्हाड़ी की मदद से ही इस स्टेज को तोड़ सकते हो और इसे बाहर निकाल सकते हो। लेकिन मीर्ता इन सारी बातों को सुन रही होती है और वो पेड्रो से कहती है कि नहीं तुम्हें कुल्हाड़ी लेने के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन पेड्रो जो उस बच्ची की बात सुनता है और पास में बने हुए कमरे में चला जाता है कुल्हाड़ी लेने के लिए। और पेड्रो अब इस कमरे में कुल्हाड़ी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसी समय यहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं और वो पेड्रो को इस रूम में बंद करके चले जाते हैं। और फिर वो छोटे बच्चे जो मीर्ता के पास जाते हैं और उसके सर पे कुल्हाड़ी मार कर सर को तोड़ देते हैं और नीचे पेड्रो देख लेता है, जिसके बाद वो एक ग्लास की मदद से इस दरवाजे को तोड़ता है और बाहर जाता है। लेकिन तब तक ये बहुत देर हो चुकी थी। फिर यूरियल जो अभिषेक से बाहर आ जाता है और वो पेड्रो को मारने जा रहा होता है। और तभी पेड्रो नोटिस करता है कि मीर्ता के पास जो क्लीन डिवाइस है वो भी अब उन बच्चे ने तोड़ दी है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो अभी भी पड़ा हुआ है, इसीलिए अब उसी डिवाइस से एक सुखड़ी से वो यूरियल के सर को काट देता है, जिस वजह से यूरियल भी मर जाता है। लेकिन यूरियल के मरने से ही वो डेमन पैदा हो जाता है और ये टिंकरेटर जो यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो डेमन अब पेड्रो के पास आता है और उसके सर पे हाथ फेरता है और उसे टॉन्ट करके यहाँ से चला जाता है। फिर जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाते हैं और अब हम उस डेमन को देखते हैं जो अब सूरज की रोशनी की तरफ निकल जाता है और उसके पीछे अब काफी सारे स्कूली बच्चे भी चले जाते हैं। और यही सीन जो कि जैद ने अपनी ड्राइंग में भी ड्रॉ करा था, जिससे अब पेड्रो अमेरिका के घर जाता है जहाँ पे वो जिमी अपनी माँ और जैद से मिलता है। जिसके बाद पेड्रो अब अपनी पूरी फैमिली को लेकर के अपने घर जाता है और अपने घर जाकर के वो नहारा होता है और वो अपने पूरे शरीर को साफ करता है, लेकिन अभी भी उसके सेंसी वो खून का निशान नहीं जाता है जो कि डीमन ने उसके सर पे हाथ फेरते समय लगा दिया था। और वहीं दूसरी तरफ अब हम जिमी को देखते हैं। जिमी अब अस्तबल में जाता है जहाँ पे यूरियल का भाई छुपा होता है और यूरियल का भाई अब जिमी को देख करके उससे कहता है कि उसको मैंने ही मारा था, क्योंकि मुझे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि तुम्हें इस क्लीनर को मारना चाहिए और मैंने उस क्लीनर को मार दिया था। इसके बाद जिमी अब क्यूरियन के भाई से ये भी पूछता है कि तुम्हारी माँ का क्या हुआ, जिस पर यूरियल का भाई जिमी से कहता है कि वही जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अब हम पेड्रो और उसके बेटे जैर को देखते हैं। पेड्रो ने अपने बेटे जैर को उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए दी होती है,
और जहरू शास्त्रीन को खा रहा था, तभी वो कुछ अजीब सी हरकत करने लगता है और ये चीज देखकर पेड्रो फौरन से अपने बेटे जहर के पास आता है और तभी वो देखता है कि उसके बेटे जहर के मुंह के अंदर से कुछ बाल निकल रहे हैं और उनके बालों के साथ ही जहर के मुंह से एक नेकलेस निकलता है और ये नेकलेस जो कि पेड्रो की माँ का होता है और ये चीज देख करके पेड्रो समझ जाता है कि जहर ने उसकी माँ को खा लिया है। और ऐसा जहर ने इसीलिए किया था क्योंकि कल रात जहर को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी और उसकी दादी ने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, जिस वजह से उसने अपनी दादी को ही खा लिया था। और ये चीज जान करके पेड्रो अपने घर के बाहर आता है और वो काफी जोर जोर से रोने लगता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।